एग्जाम्पल नंबर 12 13 एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 12 4 इसमें हमने डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर दी है। डोमेन का मतलब क्या है कि एक्स की कौन सी वैल्यू पे सेटिस्फाई हो गई, और रेंज का मीनिंग है कि हमारे पास एक्स के लिए पुट करने पे क्या क्या वाई की वैल्यू आएगी। तो एक्स के बेस पे क्या आएगा वाई अंडर रूट एक्स माइनस वन। पहले हम इसको एरो डायग्राम से करते हैं कि एरो डायग्राम से चेक करते हैं किसकी डोमेन और रेंज क्या आएगी। मैंने यहाँ पे एक्स के अलग अलग वैल्यू ले ली, मैंने एक्स की जब जीरो वैल्यू लूंगा तो जीरो वैल्यू पे सेटिस्फाई नहीं होगा। फिर मैंने एक्स की वन वैल्यू ले ली, वन वैल्यू पुट करने पे क्या आएगा जीरो आएगा। फिर मैंने 1.5 ली, फिर क्या आएगा रूट 0.5 आएगा। फिर मैंने 9 ले ली, क्या आएगा रूट 8 आएगा। फिर मैंने 15 ले ली, क्या आएगा रूट 14 आएगा। तो यहाँ से क्या पता लगा कि ये क्वेश्चन की जो डोमेन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से लेके कहाँ तक जाएगी इन्फिनिटी तक, तो 1 टू इन्फिनिटी। और ये क्लोज इंटरवल हमने इसलिए लगाया है क्योंकि 1 भी इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है, और रेंज क्या है कि 0 से लेके इन्फिनिटी तक, क्योंकि 0 से स्टार्ट कहाँ तक जा रहा है इन्फिनिटी तक। ये तो हमने करा इसको एरो डायग्राम से, हम इसको करते हैं मैथमेटिकली करते हैं। यहाँ से मैंने क्या लेट किया इसको y इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन, तो यहाँ से स्केलिंग कर देंगे बोथ साइड। जब हम इसकी स्केलिंग करेंगे तो क्या आएगा y स्केयर इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, और यहाँ से क्या आएगा y प्लस y स्केयर प्लस वन इज इक्वल टू एक्स, मतलब x इज इक्वल टू y स्केयर प्लस वन आ गया। अब मुझे यहाँ पे x का मतलब क्या डोमेन, डोमेन का मतलब मैं यहाँ पे y की क्या क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे x क्या आ गया हमारे पास y स्केयर प्लस वन आ गया। अब मुझे यहाँ पे वैल्यू निकालनी कि y की मैं कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू पुट कर सकता हूँ। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि y स्केयर प्लस वन है, मतलब यहाँ से हमें और ये भी पता है कि जो y स्केयर क्या है एक हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है। पॉजिटिव क्वांटिटी का मतलब है कि y स्केयर हमेशा जीरो से बड़ा आएगा या फिर जीरो के इक्वल आएगा, क्योंकि y स्केयर एक अपने आप में स्केयर है, स्केयर क्वांटिटी है। तो y स्केयर की प्लेस पे क्या आ जाएगा x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो x हमारा क्या डोमेन, तो यहाँ से इसकी डोमेन क्या आएगी कि जिसमें हम वन को भी इंक्लूड करेंगे और कहाँ तक जा रही है इन्फिनिटी तक, मतलब x की वैल्यू क्या रहेगी 1 और 1 से बड़ी, तो 1 तो आएगी 1 से बड़ी क्या आ जाएगी इन्फिनिटी आ जाएगी। अब मुझे इसमें रेंज निकालनी है, रेंज का मतलब क्या है कि मुझे इसके अंदर y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, मतलब y की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ से हमें पता है कि x इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 1 आ गया, तो मुझे यहाँ से रेंज निकालनी है। रेंज का मतलब क्या है कि मुझे y की पॉसिबल वैल्यू निकालनी है कि y की क्या क्या वैल्यू आ सकती है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि y स्क्वायर के 0 से बड़ा है, तो y क्या आएगा 0 से, y भी 0 से बड़ा होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि y की वैल्यू 0 से बड़ी नहीं है, 0 0 भी इंक्लूड है और कहां तक जा रही है इनफिनिटी तक, मतलब y क्या है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा होने का मतलब है कि 0 भी इंक्लूड हो रहा है और कहां तक जाएगा इनफिनिटी तक, मतलब ये इसकी क्या आगे y की वैल्यू पाने का मतलब क्या है इसकी ये रेंज आ गई, और डोमेन क्या आगे 1 से लेके इनफिनिटी तक। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है ये भी, हमारे पास a गिवन है 9 10 11 12 13 और f ऑफ n के प्राइम फैक्टर ऑफ n, मतलब जब मैं इसके अंदर 9 पुट करूंगा ना तो 9 के फैक्टर क्या क्या बनेंगे 1 3 9, और इसके अलावा बस ये बनेंगे। और यहाँ पे क्या लेने हैं हमने हाईएस्ट प्राइम फैक्टर लेने हैं, मतलब हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा नंबर लेना है और वो नंबर क्या हो अपने आप में प्राइम हो, तो क्या आएगा 3। फिर उसके बाद मैंने नंबर ले लिया 10, 10 के फैक्टर क्या बनेंगे 1 5 2 10, क्लियर। अब मुझे इसमें हाईएस्ट नंबर लेना है और प्राइम नंबर लेना है, प्राइम नंबर कौन सा 5 और हाईएस्ट भी क्या है 5 है, वैसे तो 2 भी प्राइम नंबर है बट 2 हाईएस्ट नहीं है। फिर क्या लेना हमने 11, 11 के फैक्टर क्या बनेंगे 1 11, और इसमें हाईएस्ट नंबर क्या है 11। फिर मैंने ले लिया 12, 12 के फैक्टर क्या बनेंगे 3 4 6 2 1। अब इसमें हमें हाईएस्ट नंबर लेना है, हाईएस्ट नंबर क्या आएगा 3 आएगा। उसके बाद अगला नंबर क्या 13, 13 के फैक्टर क्या बनेंगे 13.1, इसमें हाईएस्ट प्राइम नंबर क्या आएगा 13 आएगा। तो मेरे पास हाईएस्ट प्राइम नंबर की इसकी क्या होगी रेंज होगी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है f of n is equal to highest prime factor of n, मतलब इसमें मुझे इसके हाईएस्ट प्राइम फैक्टर निकालने थे, क्या क्या आगे 3 5 11 एंड 13, ये इसके हाईएस्ट प्राइम फैक्टर आगे। 3 दोबारा रिपीट हो रहा था इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसको 1 टाइम लेना।